नमस्कार, आज की रेसिपी है आलू प्याज की सब्जी। इस सब्जी की ग्रेवी को हमने एक स्पेशल मसाले के साथ तैयार किया है जो इस सब्जी को और भी जायकेदार बना देता है। तो आइए शुरू करते हैं। इस सब्जी को बनाने के लिए छोटे साइज के आलू और प्याज 150 ग्राम आलू और 150 ग्राम प्याज अच्छे से धोकर रख लिया है। इसी तरह सारे प्याज छिलकर रख लेंगे। प्याज में से छिलका निकालकर ऊपर रूट पार्ट में से हल्का सा कट लगा देंगे, जिससे सफ़ेद पार्ट कटना नहीं चाहिए और नीचे के हिस्से को हमें ऐसे ही रखना है, काटना नहीं है। प्याज को ऐसे काटने से पकने के बाद भी प्याज की परतें अलग नहीं होती और प्याज साबुत रहते हैं। धुले हुए आलूओं को छीलकर अब इन्हें पिक कर लेंगे, जिससे मसाला आलू में अंदर तक अच्छी तरह पहुँच जाए। छिले हुए प्याज और आलू में 1/4 चम्मच हल्दी और स्वाद अनुसार नमक अच्छी तरह मिलाकर रख लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हम यह एक पेस्ट तैयार कर लेंगे और उसके लिए हमें चाहिए आधी कटोरी रोस्ट की हुई मूंगफली, एक बड़ा प्याज कटा हुआ, एक हरी मिर्च, 8 से 9 लहसुन की कली और एक अदरक का टुकड़ा। इन सभी को मिक्सर जार में पलट कर एक बारीक पेस्ट बना लिया है। पेस्ट तैयार है, अब हम सब्जी बना लेते हैं। आपने सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए काजू बादाम का यूज़ किया होगा, तो एक बार रोस्टेड पीनट की ग्रेवी ज़रूर ट्राई करें। देखने में तो यह मसाला बिल्कुल सिंपल लग रहा है, लेकिन यह सब्जी को और अधिक स्वादिष्ट बना देता है। एक कढ़ाई में तेल गर्म कर आलू को डालें और धीमी आंच पर फ्राई करें। यहाँ पर हमने कच्चा आलू लिया है, इसलिए इसे पकने में थोड़ा समय लगेगा। आलू को बीच बीच में चलाते हुए दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हल्का ब्राउन होने पर आलूओं को निकाल कर रख लें। इसी तरह प्याज को भी तेल में फ्राई करने के लिए डाल दें। प्याज को धीमी आंच पर थोड़ी देर चलाते रहें। जब प्याज हल्के ब्राउन हो जाएं तो इन्हें निकाल कर रख लें। प्याज और आलू तल गए हैं, अब सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची और 1 टुकड़ा दालचीनी को हल्का दरदरा कूट कर कढ़ाई में तेल गर्म कर उसमें डाल देंगे। मसालों को थोड़ी देर चलाएंगे। जब मसाले में से खुशबू आने लगे तो ग्रेवी के लिए तैयार किया मूंगफली का पेस्ट मिलाकर धीमी आंच पर भूनेंगे। मसाले में लगातार चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक भूनें। जब तक यह मसाला भून रहा है, तब तक मसाले के लिए एक दही वाला पेस्ट तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच दही, सभी को अच्छे से मिक्स कर एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। दही को सूखे मसालों के साथ मिक्स कर लेने से जब हम इसे कढ़ाई में डालते हैं तो दही फटती नहीं है। सूखे मसाले और दही वाला पेस्ट कढ़ाई में डाल देंगे और मसालों को अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दही व मसाले आपस में अच्छी तरह मिक्स होकर भून गए हैं। इनका कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ रोस्ट किया हुआ कसूरी मेथी 1 चम्मच मिला लेंगे। 1 टमाटर जिसका हमने पेस्ट तैयार करके रखा था, उसे भी इसी मसाले में मिक्स कर भून लेंगे। टमाटर को भूनते समय गैस का फ्लेम तेज रखें और जल्दी जल्दी चलाते हुए भूनें। जब लगने लगे कि मसाले अच्छी तरह भून गए हैं और तेल छोड़ने लगे हैं, तो इस स्टेज पर हम तले हुए आलू मिक्स कर लेंगे। आलू मिक्स करने के बाद गैस का फ्लेम लो करके इन्हें धीमे आंच पर पकाना है। स्वादानुसार नमक मिला लेंगे और थोड़ी देर ढक्कन लगाकर पकने देंगे। आलू थोड़े नरम हो गए हैं। ग्रेवी के लिए 1 गिलास पानी मिक्स कर थोड़ी देर चला लेंगे। ग्रेवी में जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए तो उसमें फ्राई किया हुआ प्याज भी मिक्स कर लेंगे। प्याज और ग्रेवी को हल्के हाथों से मिक्स करते हुए चलाएंगे। सब्जी को धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट और पकने के लिए रख देंगे। आलू और प्याज अच्छी तरह पक गए हैं, सब्जी लगभग तैयार है। अब इसमें हम गरम मसाला मिला लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। इस सब्जी को आप रोटी, नान, स्टीम राइस या पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं।
तो तैयार है आलू प्याज की ग्रेवी वाली रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्जी। तो आप भी इस सब्जी को घर पर जरूर ट्राई करें और इंजॉय करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।